वेलकम बैक गाइज टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज यहाँ पर Realme 8 5G के लिए जो सितंबर मंथ का लेटेस्ट अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको इस अपडेट में देखने के लिए मिलता है, क्या बग फिक्स हुए हैं, क्या न्यू फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिले हैं, क्या इस अपडेट का वर्जन है, साइज है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो इसका बेसिक यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो गाइस अगर बात करें यहाँ पर इसके न्यू वर्जन और साइज़ की, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्जन को। तो इसका जो नया वर्जन है वो है RMX 32411C.04 और 1.84 GB इसका साइज़ है। दोस्तों ये एक ऑफिशियल वर्जन है Realme UI 3.0 का, यानी कि एक स्टेबल अपडेट है Realme UI 3.0 का जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 12 पर। तो गाइज ये तो हो गई यहाँ पर इसके बेसिक सॉफ्टवेयर इंटरफेस की बात। अब हम देख लेते हैं कि इसका चेंज लॉग आपको क्या देखने के लिए मिलता है इस अपडेट के बाद। तो गाइज अगर सबसे पहले चेंजेस की यहाँ पर बात करें तो वो आपको देखने के लिए मिलता है सिक्योरिटी पैच का। तो यहाँ पर जो सितंबर मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो आपको इस अपडेट के बाद इसमें देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अब इसके नेक्स्ट अपडेट की, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जियो की सिम में। तो यहाँ पर जियो की सिम में जो 5G का यहाँ पर सपोर्ट था वो यहाँ पर जो है दे दिया गया है ऑफिशियली। हालांकि अभी 5G की जो सर्विसेज है वो देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर 5G को लेकर जो इशू था वो यहाँ पर इस अपडेट के बाद आपको फिक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज अब अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करते थे और वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद जब वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके इसको यहाँ पर अगर आप गैलरी में जाके इसमें रीनेम करते थे यहाँ से, तो आपको रीनेम करने में जो इसमें इशू देखने के लिए मिल रहा था ये यहाँ पर जो फाइल है वो रीनेम नहीं हो पाती थी, लेकिन इस अपडेट के बाद जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है और इसकी जो फाइल है वो रीनेम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंज लॉक की, तो यहाँ पर जो सिस्टम में छोटे मोटे बग्स होते हैं उनको फिक्स करके इसकी जो स्मूथनेस और इसकी जो स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर हर अपडेट में लिखी जाती है, लेकिन किसी किसी डिवाइसेस में जो है इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। कुछ डिवाइसेज जो जैसी परफॉर्म करती हैं वैसे ही इस अपडेट के बाद भी कर रही होती हैं। तो ये जो अपडेट है मेरे ख्याल से यहाँ पर ये रियलमी जो है फालतू के लिए इसमें मैंशन करता है सिर्फ चेंज लॉक को बढ़ाने के लिए। तो गाइस अब अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंज लॉक की, तो जैसे ही आप यहाँ पर इसका जो फीडबैक ऐप है जिसमें कि आप *800# दबा के जो फीडबैक की ऐप इसकी आती है जिसके थ्रू आप फीडबैक देते हैं, तो उसमें यहाँ पर जो है कुछ इशू देखने के लिए मिल रहे थे। आप फीडबैक जो है इसमें नहीं दे पाते थे, कुछ यहाँ पर जो है इशू इसमें क्रैश होने का आ रहा था, तो उस इशू को यहाँ पर इस अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद गाइज अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेंज लॉक की, तो वो आपको देखने के लिए मिलता था इसमें रीसेंट टास्क में। तो जब भी रीसेंट टास्क के पेज को ओपन किया जाता था यहाँ पर डिस्प्ले का कुछ इशू देखने के लिए मिल रहा था, तो इस अपडेट में उस इशू को भी फिक्स कर दिया गया है और रीसेंट टास्क में अब आपको कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइज अब अगर बात करें कि इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ नए फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें, तो इसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है अगर आप प्ले स्टोर को ओपन करके इसमें से कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि सिंपली आप कोई भी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे गूगल प्ले स्टोर से, तो वो आपके फ़ोन में सीधे इंस्टॉल हो जाती थी, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से इंस्टॉल करें। लेकिन अब जब आप इसको इंस्टॉल यहाँ पर करते हैं, तो ये इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ये सिक्योरिटीज़ का चेकिंग होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरी चेक होती है फाइल और उसके बाद ही जो है इसको आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये जो एक फ़ीचर है इस अपडेट के बाद आपको इसमें नया देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके एक और न्यू फीचर की, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है प्राइवेसी डैशबोर्ड में। प्राइवेसी डैशबोर्ड को जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर आपको एक एरो का जो कि रिफ्रेश का बटन है वो देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये कोई बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी फीचर जो है यहाँ पर इस अपडेट में ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट फीचर की, तो जब आप डेस्कटॉप पर सर्च का जो ऑप्शन है इसमें अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको आप यहाँ पर गूगल सर्च में भी जा करके कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर पहले देखने के लिए नहीं मिलता था, जो कि इस अपडेट के बाद इसमें देखने के लिए मिल जाता है।
तो दोस्तों अब अगर बात करें यहाँ पर इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो इसका बैटरी परफॉर्मेंस है यहाँ पर ज़्यादा अच्छा देखने के लिए तो नहीं मिलता है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेटर ज़रूर हुआ है पिछले अपडेट से, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसमें अभी भी जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा होने की गुंजाइश है, क्योंकि बैटरी जो है यहाँ पर इसकी काफ़ी ड्रेन हो रही है इस Realme Y 3.0 के अपडेट के बाद। तो इसको भी यहाँ पर Realme को जो है इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो गाइज़ ये थी इस अपडेट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि थी Realme 8 5G की। तो आई होप गाइज़ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।